सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो रिलेटेड होने वाली है R5V3 के मॉडिफिकेशन से। तो आज की वीडियो में करने वाला हूँ मोबाइल फोन होल्डर विद चार्जर का इंस्टॉलेशन अपनी बाइक में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने जो मोबाइल होल्डर मंगाया है वो मैंने अमेजोन से मंगाया है और ब्रांड जो है वो है ग्रैंड प्रिक्स स्टॉप का। तो ये मुझे अराउंड कॉस्ट क्या है, लगभग 400 रुपीज का। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है। एक आपको इसके अंदर ये मोबाइल होल्डर मिल जाता है विद इसमें केबल भी लगी हुई है और ये पीछे फोन को होल्ड करने के लिए ये रबड़ ग्रिप है। और इसमें आपको ये मिल जाता है, इससे आप 360 डिग्री रोटेशन पॉसिबल है इससे। और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ये ग्रिप्स वगैरह मिल जाती हैं और एक गाड़ी से कनेक्ट करने के लिए क्लैंप मिल जाता है। तो चलिए फिर जल्दी से इसे अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जब कोई वीडियो एक अच्छा परफॉर्म करती है और लाइक्स वगैरह आते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे ऐसी वीडियो बहुत सारी आती रहेंगी। तो ये रहा मोबाइल होल्डर का क्लैंप जिसे हमें बाइक के हैंडल पर फिट करना है। सिंपली क्या करना है, ये जो एलन की बोल्ट है इसे खोलना है और जो ये बीच का स्पेस दिख रहा है यहाँ पे इसे फिट कर देना है। ये परफेक्टली इसमें फिट हो जाएगा और फिट होने के बाद ही कुछ इस टाइप का लगेगा। तो अब जो ये मोबाइल होल्डर है इसमें मैं आपको क्लैंप लगा के दिखा देता हूँ। इसे फिट करना बहुत ही इजी है और इस बीच वाले क्लैंप की हेल्प से आप इस होल्डर को 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। और यह है इसका USB चार्जर, इसे आप अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस होल्डर को मैंने लगा दिया है और आप इस स्क्रू को लूज़ करके इसे किसी भी डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे नेविगेशन या मैप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रख सकते हैं। अब इसकी चार्जर का कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें आपको दो वायर्स मिलेंगी जिसमें आपको इस टाइप के मेटल एंड्स मिलेंगे, इसे आप डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। पर R5V3 में कंपनी ने पहले से मोबाइल चार्जर का कनेक्शन दिया हुआ है तो मैं इसे उसी से कनेक्ट करूँगा, जिससे जब बाइक का इग्निशन ऑन होगा ये तभी वर्क करेगा। तो पहले गाड़ी का ब्लैक वाला पैनल खोल लेते हैं। इसे खोलना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिंपली आपको क्या करना है, जो स्क्रूज़ और बोल्ट दिख रहे हैं इन्हें खोल लेना है। इन ब्लैक प्लास्टिक स्क्रूज़ को खोलने के लिए इसे थोड़ा लूज़ करना है और इसे बाहर की तरफ खींचना है, ये ईजिली बाहर आ जाएगा। ऐसा करके बाकी सारे स्क्रूज़ खोल लेना है। अब इस ब्लैक फ्लैप को ध्यान से खोलना है, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसे खोलना। ये ब्लैक फ्लैप खोलने के बाद इसमें आपको वाइट कलर का ये सॉकेट मिल जाएगा, देखिए ये रहा। इसे खोलना है और आपको इसमें दो वायर्स मिलेंगी, ब्लैक कलर की और रेड कलर की। तो मेरे पास सेम सॉकेट तो नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि इस वायर को आगे से काट के छील लूँगा और उसी सॉकेट में लगा दूंगा इसे। अब मोबाइल होल्डर की रेड वायर को सॉकेट की रेड वायर से और ब्लैक वायर को ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इसे कनेक्ट करना है और अब मैं चेक कर लेता हूँ इसमें पावर आ रही है या नहीं। तो देखिए इसमें ब्लू लाइट जल चुकी है और इसे मैं इस बटन की हेल्प से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं अब इस सॉकेट को वापस लगा दूंगा जिससे वायर अच्छे से होल्ड हो जाए। तो सब कनेक्शन हो चुके हैं और ये लगाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं गाड़ी को ऑन करके दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो इसमें पावर आ रही है, अब मैं इग्निशन ऑफ करता हूँ तो ये भी ऑफ हो जाएगा। तो इसमें टेपिंग कर दी है और जो एक्स्ट्रा वायर थी उसे बांध दिया है और इसे मैं यहाँ रख दूंगा और जो ये वायर है ये यहाँ से आ जाएगी। अब इस ब्लैक पैनल को वापस लगा देते हैं। We'll be right back.
अब इस होल्डर में मोबाइल लगा के टेस्ट कर लेते हैं कि मोबाइल ठीक से चार्ज हो रहा है या नहीं। तो इसमें जो रबर ग्रिप है इससे फ़ोन को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, जिससे मोबाइल हाई स्पीड पे भी स्टेबल रहेगा और गिरने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। तो ये देखिए मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया है, और अब मैं बाइक को ऑफ़ कर देता हूँ तो चार्जिंग बंद हो गई और ऑन करते ही फिर से स्टार्ट हो गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो टिल देन राइड सेफ, बाय बाय।